इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना के कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है और वो भी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी वाले नेता के घर पर ये छापेमारी चल रही है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो पटना के कई ठिकानों की है। दानापुर, पटना, तमाम उन इलाकों में छापेमारी चल रही है। सुभाष यादव जो लालू यादव के बेहद करीबी वाले नेता हैं उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बालू कारोबार से जुड़ा हुआ मामला है, बालू कारोबार को लेकर ये छापेमारी की जा रही है और जो है कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जमीन से लेकर जो है तमाम उन संपत्तियों को भी देखा जा रहा है। कल ही आपको बता दें कि जो है विनोद जायसवाल जो राजद के MLC हैं उनके ठिकानों पर भी IT की रेड हुई थी और लगातार लालू के जो भी बेहद करीबी वाले नेता हैं उनके ठिकानों पर ये दो दिनों से कार्रवाई चल रही है। IT और ED की रेड लगातार जारी है। कल विनोद जायसवाल के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी पटना के कदम कुआं में और पटना के बोरिंग रोड में, लेकिन आज सुबह से ही सुभाष यादव जो लालू यादव के बेहद करीबी वाले नेता हैं उनके ठिकानों पर ये रेड हो रही है और सुबह से ईडी की टीम, ईडी की अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। कई ईडी के अधिकारी वहां पर दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। सुभाष यादव से लेकर उनके परिवारों से पूछताछ जारी है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव पर पहले से ही ईडी की कार्रवाई जारी है और लगातार उनसे भी कई बार पूछा जा चुका है। जो है तेजस्वी यादव से, मीशा भारती से, रावड़ी देवी से, लालू प्रसाद यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में, लेकिन सुभाष यादव से बालू से जुड़ा हुआ, कारोबार से जुड़ा हुआ ईडी पर कार्रवाई चल रही है। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं वो पटना के कई ठिकानों पर, दानापुर, पटना, तमाम उन इलाकों में सुभाष यादव के घर पर छापेमारी जारी है और सुबह से ही ईडी की टीम वहां पर जो है मौजूद है और तमाम चीजों को लेकर जानकारियां ईडी जुटाने में लगी हुई है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो दर्शकों को बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले लालू के बेहद करीबी वाले नेताओं के घर पर ये छापेमारी जारी है। कल भी विनोद जायसवाल के घर पर हुई थी और आज लालू यादव के जो बेहद करीब वाले नेता हैं जो है चतरा से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं, चतरा के उम्मीदवार भी रह चुके हैं लोकसभा के, और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सुभाष यादव के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो पटना के दानापुर, फगौल, शगुना मोड़, तमाम इन इलाकों की तस्वीरें हैं। अपने सहयोगी वीडियो चैनल दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप देखते हैं लाइव इंडिया पटना।